नंबर है जिस पे आप लोगों को मत देकर इसको जिताना है। हम मिथिला का बेटा हैं, निश्चित तौर पे मुझे मौका मिला है, मैं मिथिला के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करूंगा और आप लोगों के बीच में रहूंगा साथियों, क्योंकि मैं एक गरीब का बेटा हूं। लोग कहते ना, अपने दिल से जाना पराए दिल का हाल, तो मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। आज बीजेपी जैसे पार्टी एक व्यक्तिगत आपको बहुत तरह का फायदा देने का सोचा, लेकिन ये सनत मल्ला एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है मैदान में। सिर्फ आप लोगों का सहयोग साथ देने की आवश्यकता है साथियों, इसलिए आप लोग निश्चित तौर पे मजबूती से लड़ाई लड़िए। आने वाले समय में एक आज हमें हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज एक चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको पता होगा वो भाग वोट काट कर हमें नुकसान दे सकता है, ये बात सबको पता है, ये सत्य हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन वो चुनाव जीत ले ये असंभव हो सकता है। हमारे शकील साहब में कमी नहीं है, आज एक वायरस उनके पक्ष में उनके साथ उनके पास घुस चुका है। जिस तरीके से कंप्यूटर में वायरस घुसने से कंप्यूटर खराब हो जाता, उसी तरीके से शकील साहब के साथ में एक वायरस है जो उनके साथ लगकर उसको खराब कर किया जा रहा है साथियों, एक वायरस उसके साथ खराब किया जा रहा है। मैं भी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी ताकत है कि हमारे वायरस हमारे पार्टी में भी घुसा दिया था। हर बूथ पे जो मेंबर जो बनाना था, बूथ का कार्यकर्ता बनाना था, दो नंबर का फॉर्म साइन करवा दिया, हर बूथ पे भेजवा दिया। जब हमें लास्ट में पता चला कि ऐसी इतनी बड़ी गलती हो गया, फिर हमने पूरा टीम को लगाया, 1700 बूथ पे मैंने चेंज किया। उसी तरीके से आज एक विधायक मजबूती से बीजेपी जैसे पार्टी के साथ मिल चुका है, वहाँ से बढ़िया से तैयारी करके वहाँ से व्यवस्था लेकर और हमारे शकील साहब को दे रहे हैं और उनको चुनाव मैदान में मजबूती से खड़ा किया है ताकि हमारे अल्पसंख्यक भाई का वोट बटे और वो इजीली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले जाती है। आज मजबूती से आप देख रहे हैं महागठबंधन कितना बड़ा है, जिसमें हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, सिर्फ आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आज आप लोगों को मन को एकदम स्थिर रखना पड़ेगा, हमारे निश्चित तौर पे एक भी वोट खराब ना हो, इसके लिए हर व्यक्ति को पहल करने की आवश्यकता है साथियों। तो इसलिए आप लोग मजबूती से रहे और मजबूती से साथे महागठबंधन को ऐसे कोई निर्णय ना ले जिससे कल जाके आपको पछताना पड़े और आपकी सरकार दिल्ली में ना बने। आज हमारे राहुल गांधी जी के विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का एक विचारधारा उनका घोषणा आया।